मास न्यूज हर समय आपके साथ, मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। जौनपुर ब्लॉक करंजाकला थाना गौरा बादशाहपुर के अंतर्गत किसुनपुर गांव में दो युवकों के आपस में गाली गलौज करने से दो पक्षों में चले लाठी डंडे। बता दें आपको दिनांक 12/9/2020 को दो युवक शौच करने गए थे, वहीं पे आपस में गाली गलौज हुई, जिसके चलते रात 8 बजे दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, जिसमें 10 लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। संगीता, आपके यहाँ क्या हो गया था, कैसे मैटर झगड़ा हुआ? हमारे यहाँ सर ये हुआ था कि हमारे बच्चे गए थे शौचालय करने। जब शौचालय करने गए थे तो वहाँ से खाली शौचालय पे दो चार लोग आए और उन्होंने बोला कि जो है कि यहाँ शौचालय नहीं करना है, बस इतने में बात विवाद लोग बढ़ाए फिर उसके बाद खत्म कर दिए। फिर हम लोग बच्चों को लेके घर चले आए। फिर कल सुबह वो लोग फिर आए हमारे यहाँ आए, फिर हम लोगों को बच्चों को ढूंढने लगे कि तुम्हारे बच्चे कहाँ गए कल जो थे। हम लोग कहे वो बच्चे गए हैं कोचिंग गया, कोई ट्यूशन गया है, कोई कहाँ गया है। सुबह में आए, फिर बच्चे लोग नहीं थे घर के। फिर इन्होंने क्या किया कि जो है कि शाम तक बच्चे लोग को ढूंढते रहे। जब गए घर, बच्चे लोग गए थे कोचिंग पे तो वो आ रहे थे, एक बच्चा बचार गया था। जब वो लोग मिले वहाँ पर तो वो एक लड़का बुला के पूछ रहा है कि क्या कल तू भी था, तो वो बोला हाँ। तो बोला कि जो है कि तू मारा था, तो वो बोला नहीं, हमने किसी को भी हाथ नहीं लगाया था। तो दूसरे बच्चे से वो बोला, दूसरा बच्चा बोला ऐसे क्यों पूछ रहे हो, बार बार हम लोगों ने नहीं किया। तो फिर वो लड़का आया, आके वो वहाँ पर रोड पे खड़ा होकर घर में वो एक महिला ने उनसे पूछा कि बच्चे तुम लोग हरदम क्यों विवाद खान रहे हो, जब मैटर खत्म हो चुका है, हम लोग हट जा रहे हैं, सलटा दे रहे हैं बात को, तो अब आगे ना बढ़ाओ। लेकिन वो बच्चा बैग से उतरा और फिर उन्हीं के घर में से डंडा लिया और मारपीट करने पे उतावला हो गया। अच्छा, कहाँ, किसी का? वो वहाँ पर सामने रोड पे घर है वहाँ पर। जब उतावला हो गया तो दूसरा बच्चा जो हमारा था वो भी जो कि कहा हम भी मारेंगे इसे, बस उतना कहते वो लोग पूरे गांव वाले बच्चों को जैसे उसकाए हुए थे, उन्होंने सब तैयारी बना के रखा था। जब बच्चे को यहाँ पर देखे कि मेरा बेटा लड़ रहा है तो पूरे गाँव वाले टूट पड़े। जब पूरे गांव वाले टूट पड़े तो हम लोगों को तो पता नहीं था कि ये लोग आ रहे हैं मार करने। हम अपने ही बच्चों को हम लोग रोक रहे हैं, बच्चों लोग भाग जाओ या करो वो से करो। इन लोगों ने आते ही लाठी डंडा छोटे बड़े बच्चे सब बूढ़े जवान सब लोग थे, मतलब आपके गांव में चले आए थे? हमारे गांव में हमारे दरवाजे पे आए थे। बज रहा था रात को 6 बज रहा था, 6 बजे के करीब से आए और 8 बजे करीब तक ले उन्होंने लाठियां बरसाती रही। कितने लोगों को मारे हैं यहाँ पर? कम से कम 10-15 लोग घायल हैं। 10-15 लोग? हाँ, कोई सीरियस सीरियस है? एक महिला सीरियस है, आज उठा वो गई है सदर हॉस्पिटल। क्या पूरे गांव गांव में हमला किए थे क्या? हाँ, पूरे गांव में हमला किए थे बूढ़े। कितने गांव हैं यहाँ पे? यहाँ पर इसमें 10-12 लोग हैं, ये घर है गाँव। अच्छा, सिर्फ 10-12 लोग? हाँ, और मारने वाले पूरी गाँव उधर? पूरा गाँव था। अब ये कितने लोगों को बताया जाए, जहाँ पर जिसको मार रहे थे कम से कम 25 लोग, एक आदमी को 25 लोग मार रहे थे। जो महिला घायल उसका नाम बता, उसका नाम सुशीला है। अच्छा, जो घायल हुई महिला सुशीला, उसका नाम सुशीला है, सदर हॉस्पिटल इमरजेंसी। उनके पति का नाम क्या है? उनका शिव कुमार। गाँव किशनपुर। इन्होंने मतलब झगड़ा हो गया है, राजभर लोग आके आपके गांव में मारे हैं, गांव में घर में घुस घुस के महिलाओं को मारे हैं, पुरुष को मारे हैं। हाँ, मैं तो वहीं घर पर रहा, हमारे को मार दिए। अच्छा, आप घर पे थे? हाँ, घर पर थे। आपको भी उन्होंने मारा? पोलिया नहीं है रोड पर, वही उसी जगह मारे। तो आप सो रहे थे? नहीं, सो रहे हम। अच्छा, वही तो देख रहे। कहाँ चोटें लगी हैं आपको? एक आम लगी है, यही दोनों। अच्छा, पैर में लगी है? पैर में, दोनों पैर में लगी है। अच्छा, किधर डंडे से मारे हैं? अच्छा, गोजी से? गोजी डंडे लिए। नहीं तो मार नवले होता। आपको भी चोट लगी है? हाँ, ये है हम गोड़े में गोजी मार। अच्छा, गोजी से आपको भी मारे हैं? हाँ। सर, आप किस संगठन से हैं?
मैं राजेश सूर्यवंशी, केंद्रीय मानवाधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली, जिला यूनिट जौनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। रात को इस गांव के एक लड़का नीरज नाम का हमारे यहां फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद उनको मैं थाना अध्यक्ष के गौरव आशापुर, पुलिस अधीक्षक जौनपुर और DIG वाराणसी तीनों का नंबर दिए। हमने उनको कहा कि आप तीनों प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ तुरंत फ़ोन करिए। वह लड़का क्या है, तीनों को फ़ोन लगाया, मात्र SP साहब का फ़ोन लगा और SP साहब से बात हुई। उनके बात करने के तुरंत 5 मिनट बाद मैंने थाना अध्यक्ष गौरव आशापुर को फ़ोन किया और SP जौनपुर को फ़ोन किया, DIG वाराणसी को फ़ोन किया। उसके बाद हमें भी आश्वासन मिला कि आधे घंटे में वहाँ प्रशासन पहुँचेगा और जितने लोगों के गवाही गांव वाले देंगे हम उनको तत्काल अरेस्ट करवाएंगे।